आई 18 से दो बेटे से कोई न रहा, आई 18 से दो बेटे से कोई न रहा, अब तो तन्हाई मेरी देती है मुझको पुरसा, अब तो तन्हाई मेरी देती है मुझको पुरसा, क्या भरा भरता मेरा कर दिया मुझको तन्हा। मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद, आलो 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 मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद। आग ये ज़ैनब का सारे चांद सितारे मेरे चांद सितारे चांद सितारे, कामों पे होंगे फिदा बरात के पाले मेरे दोस्त के पाले दोस्त के पाले। अब ये सच्चा हुआ तो मैं क्या हुआ, होने को आता फिदा जान मेरे शेर मेरे जान मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मोहम्मद मेरे मोहम्मद। अपने तैयार के खून के अंकास हो खून के खून के सुनने में अकबर हो तुम जोश में अब्बास हो जोश में अब्बास जोश में अब्बास। जंग के मैदान में मौत के मैदान में मैदान में ऐसे रोहत बाल मौत ढूंढते मोहम्मद 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 मेरे कहाँ कल बना प्यार के मारे हुए प्यार के मारे प्यार के मारे चलती हुई कार पर दोनों तड़पने लगे दोनों तड़पने दोनों तड़पने। अरे भाई से कहने लगी सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा, के दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। आ दिल मेरे तू चाहे गम तेरा, मेरे पूछा है पूछा है अलम तेरा। ज़ैनब की दुआ बन के एक बात बोलेगा, ज़ैनब की दुआ बन के एक बात बोलेगा, हर घर पे सजा होगा अब्बास अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा, आज एक मेरे वादी ऊंचा है अलम तेरा, आज एक मेरे वादी ऊंचा है अलम तेरा, आज एक मेरे वादी पूजा है अलम तेरा। आ जाती है ज़ैनब ज़ैनब भी ज़ियारत को, आ जाती है ज़ैनब ज़ैनब भी ज़ियारत को, जब आठ मुहर्रम को उठता है अलम तेरा, दिल सीने में जब तक है आदेश
ऊंचा है आलम के पंजाब के एक जाकिर ने पढ़ा एक अजीब बैठो बैठो पंजाब के एक जाकिर ने एक अजीब इस्तदलाल पेश किया कि गाजी ने दरिया पर जान छोड़ दी कि मेरा गाजी दरिया से क्यों रह गया दरिया पे क्यों रहा मेरा गाजी उसकी क्या वजह थी उसको पेश कर रहा हूँ कि बहते हुए पानी में तस्वीर सकीना थी के बहते हुए पानी में सकीना थी तो दम दे दिया दरिया पर उठाना कदम तेरा दिल की जगह जब तक है भूले कदम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है आलम तेरा आदेक मेरे बाजी ऊंचा है आलम तेरा आदेक मेरे बाजी ऊंचा है आलम तेरा जनरल सरकार का एक मसाय पेश कर रहा हूँ कि हम क्या था के इस बीवी को करबला से कूफा और कूफा से शाम तक रोने ना दिया रोने ना दिया कि हुक्म दिया था हारिस बिने नौफिले मलाउन मौला इमाम सज्जाद इस मलाउन पे हर नमाज में तवर्रा किया करते थे हर नमाज में इसके लिए बदुआ किया करते थे ये हारिस बिने नौफिले मलाउन कौन था ये वो था जिसने शाम गरीबा में सर से नैसे से चादर को हारिस बिने नौफिले मलाउन वो था जिसको ये हुक्म था ये हुक्म दिया गया था कि सब सोए करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सब सोए मगर अली की बेटी जैनब ना सोने पाए अली की बेटी जैनब ना सोने पाए मौला इमाम सज्जाद को मैं जाकिर नहीं बस जो वाकई यादें पेश कर रहा हूँ मौला इमाम सज्जाद को जब ये इत्तला मिली मौला इमाम सज्जाद शहजादी जैनब सरकार के पास आए हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि फूटी अम्मा हारिस बिन नौफिले मलऊन को हुक्म हुआ है कि वो रास्ते में आपको सोने ना दे शहजादी ने सुना एक जलाल के साथ मेरी बहनें सुने एक जलाल के साथ शहजादी ने जवाब क्या दिया कहा ठीक है नहीं सोऊंगी रात भर अली अकबर के कमरे जागूंगी रात भर अली अकबर के कमरे जागूंगी सारा दिन अपने भाई के गम में जा नहीं सोई मेरी शहजादी नहीं सोई मगर कब तक एक वक्त आया कि जब धूप से नाखों से शहजादी उतरी और उतरने के बाद एक ठंडी जगह देखकर एक जगह टेक लगा करके बैठी हारिस बिन नौफिले मलाउन को हुक्म हुआ कि जैनब सो रही है वो गुर्द हाथ में लेके शहजादी की तरफ बढ़ा मौला इमाम सज्जाद की नजर पड़ी दर्शन वाला इमाम सज्जाद इत्तला देने छोटी अम्मा को चले उधर से हारिस बिन नौफिले मलाउन मौला इमाम सज्जाद को देर हुई गुर्द शहजादी के पेशानी शहजादी की पेशानी से खून जारी हुआ खून जारी हुआ अपने चुल्लू में शहजादी ने अपने खून को लिया मौला गाजी सब हर के नीचे आई कहती अब्बा हाँ ये है शहर हाँ ये है शहर शान क्योंकि शहजादी का है यही पर प्यार आज रोजे पे है रोशनी सुबह शाम और पुरसादारों का है मातमी अड्डहाम फट रहा है जिगर सोचता हूँ अगर कि कैसा तारीख था कैसा वीरान था कैसा वीरान था कल ये जिंदान था बड़ा रोई सकीना यार
बड़ा रोई सकीना यहाँ और ये है शहर शाम करो ये है शहर शाम ये है शहर शाम ये है शहर शाम इतनी वहशत एक पल कल कल एक मौलाना जाकिर गरीब जाकिर ये बयान कर रहा था कि जब कभी रोजे पर आओ किसी ज्यारत पे आओ तो अपनी जिंदगी की आखिरी ज्यारत समझो ऐसे रो जैसे कोई जवान बेटे को अखबार होती है अपने बराबर वाले की फिक्र ना करो कि जब जहूर इमाम होगा और मेरे मौला सामने होंगे तो मेरे बराबर वाले की फिक्र होगी नहीं होगी सिर्फ दिल में ये ख्वाहिश हो कि काश के मौला इमाम सज्जाद हमारे गिरिए को देखे मौला इमाम सज्जाद अब कैद खाना कैसा था ये शाम कैसी थी कैद खाना कैसे था इंशाल्लाह पेश करूंगा शाम 7 बजे मेन गेट जनबिया पे इंशाल्लाह नौकानी करके पेश करूंगा मुख्तसर फरमाइश पर और अपने दिल के उस पर पेश कर रहा हूँ कैद खाना क्या था सुनो इतनी वहशत एक पल ना गुजरे चीखती हो जहाँ सिर्फ तन्हाइयाँ रोना क्या सिक्कियों पर भी पाबंदियाँ रस्सियों बेड़ियों तोप के दरमियाँ बड़ा रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम आये है शहर शाम आये है शहर शाम सकुले खाक पर गमजदा बीबियाँ उनमें कासिम की असबर की असबर की माँ माँ गुजरी हुई खाली थी गोदियाँ सबकी हिम्मत बनाती थी जैनब जहाँ बड़ा रोई सकीना यहाँ बड़ा रोई सकीना यहाँ ये है शहर शाम ये है शहर शाम ये है शहर शाम ये है शहर शाम मुख्तलिफ जगहों पर मोमिनीन और मोमिनात ठहरे हैं हमारी बीबियाँ साथ इज्जत साथ खैरियत के ज्यारतों के लिए बापरदार भी है बापरदा जाती है हाँ इसी शाम के बीच बाजार में बीबियाँ पत्थरों की थी बौछार में उम्र डूबी मोहम्मद की थी बेटियाँ हर तरफ शाम में जश्न का था समा बड़ा रोई सकीना यहाँ बड़ा रोई सकीना यहाँ आये है शहर शाम आये है शहर शाम आये है शहर शाम आये है शहर शाम जब दरबार सज गया दरबार आप गए होंगे आपने देखा होगा 700 कुर्सी नशीन बैठ गए आकर के तो यजीद ने अपनी छोटी बेटी जो 4 या 5 साल की थी उसको बुलाया कि जो बेहतरीन लिबास पहने हुए थी बुला के अपनी गोद में बिठाया बच्ची के बालों पे हाथ फेरा उसको प्यार किया और पलट कर शहजादी सकीने से कहता है तेरा बाबा भी इसी तरह प्यार कयामत की दरबार में आ गई ना कभी जी में मांगी गई ना चचा भाई जी ना दवा मेरी सच्चा दिन बैद में बेड़िया बड़ा रोई सकीना यहाँ बड़ा रोई सकीना यहाँ